नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे महामंथन की। जी हाँ, सुर और असुर में जब झगड़ा हो रहा था तो उस समय समुद्र मंथन किया गया, मंथन किया गया और उसमें यह तय हुआ कि इसमें से जो भी निकलेगा आधा आधा बांट लिया जाएगा। दोनों तरफ से लोग कोशिश कर रहे थे और उसमें से अमृत भी निकला और विष भी निकला। अब सवाल यह है कि आज जो महामंथन हो रहा है, दो बार महामंथन चल रहा है, यानी कि एक 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक और 6 बजे के बाद में 8 तक दूसरा दौर चलेगा। इसमें क्या निकलेगा, इसमें कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ये रास्ता, कोरोना से लड़ने का रास्ता कैसे निकलेगा, कुल 4 चीजों पर आज इसमें लेकर के मंथन चल रहा है, महामंथन चल रहा है। इसमें यह है कि कैसे जीवन पटरी पर लौटे, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, कैसे लौटे और कोरोना से कैसे निपटा जाए, और चौथी बात थी कि लॉकडाउन कब तक। अलग अलग राज्यों की अलग अलग यहाँ पर बातें चल रही हैं। 4 राज्यों ने मांग की कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। हमने अपने चैनल पहले ही दिखाया, सुबह के दंगल में भी आपको दिखाया था कि लॉकडाउन 4 तो होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ने मांग की है, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने पहले ही इसको बढ़ा दिया है, एक ने तो 29 तारीख तक कर दिया है। तो इससे ये करीब करीब साफ संभावनाएं बलवती हो रही है कि लॉकडाउन चलता रहेगा और लेकिन एग्जिट भी चलता रहेगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी छूट भी मिलती रहेगी। अब ये छूट कितनी होगी ये अलग बात है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ में तमाम और चीज़ें जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांग की या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की या तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने मांग की कि हमको हमारे अधिकार वापस दे दिए जाए, यानी कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें छूट दे दी जाए, हम राज्य अपने आप से इसको निपट लेंगे। क्योंकि केंद्र में बैठे अधिकारियों को पता नहीं कि वहां पर क्या है। पंजाब के अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि केंद्र में जो अधिकारी बैठे हैं उनको क्या मालूम कि पंजाब के किस जिले में कौन सा कितना हाल बेहाल और कितना अच्छा है, उन्हें नहीं पता है। उसी तरीके से तमाम राज्यों ने पैकेज की मांग की, गुजरात भी इसमें शामिल है, उसने भी पैकेज की मांग की कि एक बड़ा पैकेज मिलना चाहिए जिससे कि हम अपने हिसाब से कोरोना से लड़ सकें। इसी पर चर्चा करेंगे कि जो महामंथन चल रहा है ये मंथन आसान काम नहीं है, ये समुद्र मंथन है। इसमें से अगर अमृत निकलेगा तो विष भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर संघीय ढांचा है। राज्य सरकारें अपनी अपनी बातें कह रही हैं, कह रहे हैं हमको लड़ने की इजाजत दी जाए, हम सक्षम है, हम कर लेंगे। केंद्र सरकार का कहना कि नहीं, ये महामारी है और ये महामारी का मतलब ये होता है कि जब देश पर कोई विपत्ति आती है तो केंद्र के पास सारे अधिकार सीमित हो जाते हैं और केंद्र उस लड़ाई को करता है। ये मेरा मानना है कि ये संघीय ढांचे का मतलब ये होता है कि जब देश पर कोई भी बात आती है तो केंद्र उस पर पूरा अपना कंट्रोल करता है और केंद्र के हिसाब से भी पूरा देश चलता है। ऐसे में राज्य क्या ये अपनी मांग कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और समुद्र मंथन से क्या क्या निकलेगा, समुद्र मंथन नहीं ये महामंथन से क्या क्या निकलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए इसकी गंभीरता को, क्योंकि आइंदा क्या खुलेगा क्या बंद होगा और इस पर ये दिशा निर्देश भी तय होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। देश भर में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, हर दिन नए मरीजों के आंकड़े प्रदेश के साथ साथ देश की भी चिंता का कारण बने हुए हैं। कोरोना से बचाव के साथ ही देश में लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संकट गांव तक ना पहुंचे ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है और सभी राज्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन 2 गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा। लॉकडाउन लागू करने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है
कि जो जहां है वो वहीं रहे, लेकिन हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने 3 महीने के लिए वित्तीय मदद की भी मांग की। साथ ही ये भी कहा कि टेस्टिंग के लिए रणनीति बनाई जानी चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उनका मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य के अंदर आने वाले लोगों से कोरोना संकट और गहरा सकता है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल को लिखी केंद्र की चिट्ठी पहले ही लीक हो जाती है, इसलिए ऐसे वक्त में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनका राज्य अच्छा काम कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ वित्तीय नुकसान, ऐसे में राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, वो कहां तक सही है और जो डिमांड पंजाब के मुख्यमंत्री ने की है उसके ऊपर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से हर दिन कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये महामंथन है, समुद्र मंथन है, इसमें से सिर्फ अमृत ही निकले ये नहीं हो सकता, कुछ विष भी निकलेगा और वो विष का प्याला पीना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अलग अपना राग अलाप रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग और तमाम अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी अलग अलग अपना राग अलाप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, जाहिर सी बात है कि वो एक सुर में सुर मिलाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और चलना भी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना ये जो लॉकडाउन 4 की हम बात कर रहे हैं, जो होना है उसमें कितना छूट दी जाए, कितना रिलैक्सेशन दिया जाए, इसको लेकर के भी आर पार की लड़ाई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि राज्यों से तालमेल करके ही को ये सेवाएं शुरू, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू करनी चाहिए। इस बीच हम एक और खबर आपको बता देते हैं कि रेलवे अपनी सेवा 15 जोड़ी ट्रेनों को शुरू करने जा रहा है, तो साथ ही साथ में अब हवाई यात्रा भी शुरू होने जा रही है। कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही ये हवाई यात्रा शुरू होगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी और IGI एयरपोर्ट पर इसको लेकर के काम भी शुरू हो गया है। अभी फिलहाल ग्रीन जोन टू ग्रीन जोन ही ये हवाई यात्रा शुरू होगी। उसके लिए जो कोरोना के इन्फेक्टेड लोग हैं उनको संक्रमण से बचाने के लिए टनल भी बनाई गई है, तो तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं IMA के, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। आकाश राय भारतीय जनता पार्टी के नेता है, स्वागत है आपका आकाश राय जी। और हमारे साथ में कांग्रेस के MLC भी जुड़ चुके हैं, दीपक सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है दीपक सिंह जी। सीधा रुक करेंगे दीपक सिंह, नहीं आकाश राय का रुक करेंगे। आकाश राय जी, महामंथन है ये और इनको समुद्र मंथन की हमने उपाधि दी है। विष और अमृत दोनों निकलेगा, कैसे, कौन पिएगा ये विष और कौन पिएगा ये अमृत? प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी स्पष्ट किया था और आज 5वीं बार जब वो मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों के सुझाव के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। और अभी तक जो पहली बैठक हुई है उसमें 5 स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने यह कहा है कि लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए। और एक दो मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए। अभी दूसरी बैठक चल रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक संभावित है कि अभी लॉकडाउन 4 होना है, लेकिन साथ ही साथ ये जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है, इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों में छूट दी जा रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा, पहले शराब की दुकानें खुली, फिर प्लम्बर की दुकानें खुली, उसके अलावा जो भी निर्माण की चीजें हैं, बिल्डिंग मटेरियल की चीजें हैं, इनकी दुकानें खोली जा रही हैं। रेलवे जो है 12 तारीख से ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है, तो धीरे धीरे
चीजों में ढील देना इसलिए भी जरूरी है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो ये नहीं हो सकता कि एक बार की ये सारी चीजों को खोल दिया जाएगा और फिर से भगदड़ मचे, अफवाह हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लॉकडाउन फोर होना ही होना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और चीजों में छूट मिले जिसमें जनता को राहत मिले। लेकिन प्रदीप जी, एक दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी इतना लगभग 2 महीने हो जा रहे हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के MLC को जोड़ा हुआ है, मेरा सिर्फ उनसे एक छोटा सा सवाल होगा जब भी आप उनसे पूछिएगा कि पंजाब के भटिंडा में जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक ने जो पर्चियां बांटी हैं क्या वो सही है? जो भी खर्चा देना है वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर वहन कर रही हैं, उसमें सोनिया गांधी जी की पर्चे बांटना ये कहां तक जायज है? ठीक है, आप खुद सवाल पूछ लेगा, वो हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। दीपक सिंह जी, क्या कहेंगे आप, ये महामंथन चल रहा है, समुद्र मंथन है, क्या निकल के आएगा? कह रहे हैं तो लगता है जनता सुल्तान का जनता उसका तो देश की जो प्रचलन पड़ा है जो आदेश दिल्ली से आते हैं गाँव तक उसका पालन होता है और एक टीम उनके उसी को प्रचारित किया जाता है। देश के मन का अगर स्थापित हो जाए तो उसके वो विभाग कर रहा है। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए दीपक सिंह जी। वही हो रहा है कि अगर हम सही बात करते हैं, अगर हम कहें कि हमसे तो बुरी स्थिति टीम की दिल्ली की साथ की मीटर डाउन हो गए, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम कहें ये बड़े देशों की बात, छोटे देशों की बात करें, आज के लिए साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर छोटे देश इस तरह से काम करते हैं तो हमारा अपने देश का एक हिस्सा है, केरला लगभग मुक्ति की ओर है। ताकि मोदी जी बातों को सुना रहे थे, हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े थे, आगे भी खड़े हैं, लेकिन कहीं कहीं जनता बीच पीने मजबूती है। जिस तरह लॉकडाउन एक दिन बता पालन हुआ, लॉकडाउन टू पे पूरे देश में लोग सड़कों पर आ गए, बस अड्डे पर आ गए, स्टेशन पर आ गए, ऐसा होगा रोड पर हजूम देता हो महिलाओं का, सड़कों का, मजदूरों का, उसके बाद सरकार का फैसला आते हैं, चाहे की सरकारें हो, जहाँ की सरकारें हो, आपके चीजें खोल दिए जाते हैं जहाँ पर लॉकडाउन में कोई नहीं है, तो रहा है देश में जा रही है देश में। जी ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा से, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, ये क्या लग रहा है कि जो ये महामंथन चल रहा है, समुद्र मंथन है, क्या निकलेगा इसमें से? पहले नहीं, प्रदीप जी आपने बहुत अच्छी बात कही महामंथन में कि अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। अब विष किसको पीना पड़ेगा, वो तो केंद्र सरकार को पीना पड़ेगा जी। सवाल इस बात का है कि आज आरोप प्रत्यारोप के जो दौर, देखिए 5 घंटे की बैठक में 30 मुख्यमंत्री अगर शामिल थे तो स्वाभाविक है कि कई मुख्यमंत्रियों के सुर अलग अलग होंगे और वो अपने अधिकार की बात करेंगे, आर्थिक पैकेज की बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है वो ये कही है कि ये कोरोना वैश्विक महामारी गांव तक नहीं फैलनी चाहिए जी। जब गांव तक नहीं फैलनी चाहिए तो ये जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। आज ये लड़ाई जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है, नहीं, ये वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को सहयोग देना चाहिए। आज ममता बनर्जी इन लोगों को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पंजाब की अपनी समस्या है, वहां 1 लाख कोरोना के लोग वहां पे अभी भी क्वारंटाइन में है, तरीके से संबंधी अभी वहां जांचें नहीं हुई है, तो पंजाब को अपने राज्य को संभालना चाहिए। लेकिन अब देखिए जो आज महामंथन हुआ है उसमें से अब देश धीरे धीरे खुलेगा। एग्जिट प्लान हम इसको फिर कह रहे हैं कि एग्जिट लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन एग्जिट प्लान भी होगा, क्योंकि हमने कहा कई बार कि इसको खोलना आसान नहीं है। जैसे ट्रेन चलाई गई वैसे अब हवाई जहाज चलाए जाएंगे। देखिए सवाल इस बात का कि अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग हमें अब एकाध नहीं करनी है, लगभग सितंबर अक्टूबर तक करनी है। बिल्कुल। और देखिए एक बात प्रदीप जी समझ लीजिए, आज जो मजदूर का पलायन हुआ है, जो अप्रवासी जो प्रवासी मजदूर जो लाए जा रहे हैं, ये मजदूर अपने गांव में पहुंचने के पहले अब जिम्मेदारी बनती है वहां के स्थानीय प्रशासन की, वहां के ग्राम प्रधान की,
कि वो उन मजदूरों का टेस्टिंग करके उनको गांव के अंदर भेजे। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार के लोग, जैसे कि आपने भी एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन जो बनाए गए हैं, वो धरातल पे केंद्रीय लोग आके, उन्होंने नहीं देखा है कि वहां धरातल में क्या स्थितियां हैं, वो तो राज्य सरकार ही बता पाएंगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बता पाएगा। तो अब सबसे बड़ी जो एग्जिट प्लान हो, देश खुले, देश धीरे धीरे खुले, क्योंकि बंद होना भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है या देश के किसी बात के लिए अच्छा नहीं। लेकिन हमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो अभी अदृश्य है और ये जून जुलाई में और तेजी से बढ़ेगी, जब मौसम बदलेगा तो वो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगी, ये भविष्य की केंद्र में लिखा है। लेकिन हमें गांव तक जो ये महावैश्विक महामारी है इसको रोकने के लिए वहां के स्थानीय ग्राम प्रधान, स्थानीय प्रशासन और लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको सख्ती बरतनी होगी, सख्ती बरतनी पड़ेगी सब जगह तक। क्योंकि जिस तरह से हमारे युवक, नव युवक हम कह सकते हैं, बाहर निकल रहे हैं और याराना निभा रहे हैं, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि गले में हाथ डाल करके याराना निभा रहे, उनको पता नहीं है, उन नवयुवकों को पता नहीं है, 12-14 साल के जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो किस महामारी से जूझ रहे हैं। उनको तो लगता है कि 16 फिल्म का याराना सबसे अच्छा याराना था और हम उसको निभा के रहेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आज जो चार पॉइंट पर बात की गई उसमें बात ये की गई कोरोना को कैसे काबू करें जी, लेकिन इसको लेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, सिर्फ राजनीति की बात हुई कि राज्यों को अधिकार दे दिए जाएं, केंद्र अधिकार कम रखे अपने पास में, कैसे चीजें शुरू की जाए, लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई कि लॉकडाउन ये कैसे कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जाए जी। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये हमारा मानना है कि ये कहीं ना कहीं कोरोना जो एक वैश्विक बीमारी है, इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति होना इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। क्योंकि अभी वो समय चल रहा है जब कोरोना के डर की वजह से हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग खुद ही इस समय ऑपरेशनल 100% नहीं हो पाए हैं। कई जगह ऐसे हैं, कई जिले हैं जहां पर डॉक्टर्स ने अगर जो है पेशेंट्स को पूरा प्रिकॉशन लेते हुए देखा भी है कि उनको वो चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करा पाएं, तो भी उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई है या फिर जो है उनके सेंटर्स की सीलिंग की गई है और सबको क्वारंटाइन किया गया है, स्टाफ को और डॉक्टर्स को सबको। नहीं, जबकि नियम बना दिया गया था कि अब उनको डॉक्टर अब जेल नहीं भेजा जाएगा जी, तो अब ना तो डॉक्टरों को जेल भेजा जाएगा और ना ही उनको ये सर यही तो विडंबना है, ये अभी समझ के बाहर है, प्रशासन कंफ्यूज हो जाता है कई लेवल पर। एक ही रायबरेली की ही घटना है, एक ही दिन में वो प्रकाशित हुई अखबारों के माध्यम से, मालूम चला कि जो है एक डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उधर प्रशासन ने वहां पर ही दो हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस इशू किया है कि आपने अस्पताल बंद क्यों कर रखा है, आप लोगों को चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं। तो ये दोहरा जो एक जो चरित्र है प्रशासन का, ये बिल्कुल गलत है। सबको एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि उस गाइडलाइन के आधार पर काम चलेगा। ये एक सच्चाई है कि देश का 70-75% से ज्यादा चिकित्सा व्यवस्था जो है वो निजी क्षेत्र के पास है। तो अगर निजी क्षेत्र, और सर मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उससे जुड़े हुए करीब 3.25 लाख डॉक्टर्स जो कि 1700 IMA की ब्रांचेस हैं इस समय इंडिया वाइड, वो सब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के इस समय सब कोरोना से लड़ने में प्रतिबद्ध हैं। समय कोरोना वॉरियर्स हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इससे कोई नाइत्तफाकी नहीं है जी। हम सब उनका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री भी लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं जी। सब अच्छे, लेकिन क्या लगता है कि जो ये जैसे आपने कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो जाती है लोग, तो ये आपस में तालमेल ना होने की वजह से हो रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह से केंद्र और राज्य में तालमेल नहीं बैठ पाया, आपस में तालमेल भी नहीं है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का बहुत गैप है। क्योंकि एक सेट गाइडलाइन जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम में चलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं जारी नहीं हो रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, इसीलिए क्योंकि जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनमें मेडिकल के लोग बहुत कम हैं। IMA की शुरू से मांग रही है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, तमाम तरीके की इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हैं, इसी तरीके से इंडियन मेडिकल सर्विसेज नाम से एक अलग कैडर क्रिएट करना चाहिए जो कि केवल पूरी चिकित्सा व्यवस्था को देश की मैनेज करे। है तो केंद्र में तो तमाम डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलेरिया और जैसे तमाम जो दिग्गज डॉक्टर हैं वो तो उसमें काम करें ना, लेकिन जिस प्रकार की महामारी है उसमें इतने कम लोगों का होना वो उसको मैनेज करने के लिए वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि लोग कम पड़ते हैं। ठीक है जी। आकाश जी, कई कमियां हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल भी बता रहे हैं कि खाली नौकरशाहों के भरोसे काम नहीं किया जा सकता,
उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग एक्सपर्ट भी होने चाहिए, इकोनॉमिस्ट भी होने रखने पड़ेंगे आपको, डॉक्टर के भी बड़े लोगों को रखना पड़ेगा, तो हर तरह के एक्सपर्ट लोगों को रखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल बात सही है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये उचित समय इस चीज़ की चर्चा करने के लिए। अभी जो महामारी चल रही है उसमें चाहे वो कोई भी चिकित्सा कर्मी हो, कोई भी पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, या जो भी इस समय हमारे लिए लगे हुए हैं, उन सबका सम्मान जनता भी कर रही है और सरकार तो कर ही रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने दीप जलाना और ताली थाली बजाने के लिए बोला तो उसपे कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन ये कोरोना वॉरियर्स के लिए ही था कि ताली थाली बजा के उनको ये एहसास कराया जाए कि 130 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। एक बात भी सच भी है, राज्यों का ये कहना है कि अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि राज्यों को ज्यादा पता है कि कैसे उन स्थिति से निपटा जाएगा। प्रदीप जी बात ठीक है, लेकिन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं उनकी पंजाब में सरकार, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की समर्थित सरकार है, और वहां से कुछ मजदूर आते हैं तो उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं कि हमने इनका टेस्ट किया है और ये सारे निगेटिव हैं, यहाँ पे आते हैं तो सारे टेस्ट होता है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इनका तो आपस में ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और सरकार से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अभी इस समय जो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार जारी कर रही है उसके साथ कदम ताल करके सारे प्रदेश की सरकारों को चलना होगा। ठीक है, दीपक सिंह जी के पास चल। दीपक सिंह जी, आप जी, आकाश राय का ये कहना है कि अभी राज्य सरकार गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और अगर राज्यों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में दिक्कत हो रही है। देखिए, जो व्यवस्था है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, डिजास्टर मैनेजमेंट इसीलिए एक्ट इसीलिए बना था कि देश में जब ऐसी आपदाएं आएंगी तो विभिन्न प्रकार की उसमें गाइडलाइंस हैं, और जो हमारे भारत का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है विश्व के कई सारे देश उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। देखिए, जो बेहतर पैटर्न हो उससे हमें मानना चाहिए। हम तो हमेशा से मांग करते आ रहे हैं कि जो भी एक्सपर्टी की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, हर चीज का जो एक्सपर्ट होगा उसका उसी के माध्यम से निराकरण संभव हो सकता है। जो इसके अभी तक जिन देशों के अच्छे परिणाम आए हैं उसके तरीके यही रहे हैं कि जांच के लिए किसी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राज्य की, जनपद की, सरकार की, भाजपा की, कांग्रेस की, सपा बसपा की। उसके लिए जरूरत तो होगी कि एक अगर टीम की भावना से पूरे देश में तेजी से जांच कराई गई होती, उसके बाद उन्हें कहीं इकट्ठा किया गया होता, आने जाने दिया गया होता, तो मेरे ख्याल से हमारे देश में इस तरह की स्थिति, भयावह स्थिति नहीं पैदा होती। जिस तरह से तेजी से हम बढ़ते जा रहे हैं महामारी की तरफ, अपने साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं उनसे पूछिए, जो मृत्यु का आंकड़ा था प्रति घंटे वो जस्ट डबल हो गया है। कोरोना से ज्यादा मौतें अन्य बीमारियों से अभाव में लोगों के साथ हो रही हैं। लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, भोजन के अभाव में हैं, परिवार से दूर हैं, ये सब अदूरदर्शिताएं हैं। तो उसके लिए हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। यही बात तो अगर पहले होती, मैं स्वागत योग्य कदम है अगर हमारे देश की सरकार सभी को बैठा के बात कर रही है। इसका दायरा बड़ा होता था और पहले होता था। जी, आपसे दीपक सिंह जी, एक मिनट आपके आकाश राय जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें उससे पहले मैं आपसे समझ लेना चाहता हूं। सवाल ये कि आपके ज्यादातर मंत्री मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपके मतलब कांग्रेस के ज्यादातर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसको राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। अब अगर राज्यों पर, लेकिन जब डिजास्टर कोई देश में होता है तो वो उससे लड़ने के लिए तो केंद्र ही आगे आएगा ना कि राज्य अपने अलग अलग मनमानी करेंगे। देखिए, भाषण से तो खाली को लड़ा जाता नहीं है। जब अगर प्रदेश को पैकेज में, एक जिले का उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी जिले में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि हमने उन जिलों का आकलन किया, उन जिलों के किसी एक पॉकेट में कोरोना का प्रकोप है, बाकी जिलों में कोरोना कोई असर नहीं है, तो उस पॉकेट को सील करके उस जिले के कलेक्टर ने भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार है, उन्होंने उस सिस्टम को पूरा सा फिट कर रखा है। तो जिसके बारे में जहां जानकारी है, जो रेड जोन है उस कलेक्टर को पता है, कौन सा ग्रीन जोन है वहां के कलेक्टर को पता है, लोकल व्यवस्था को पता है, उसी तरह से जो प्रदेश की स्थितियां हैं उस प्रदेश की सरकारों को भलीभांति ज्ञात होता है। और फिर क्रियान्वयन तो देखा जाए तो 100% स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहता है जब कोई महामारी आएगी तो उसका त्रिस्तरीय ढांचा बनेगा, जिसमें एक विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होगी, तीसरा कलेक्टर होगा। तो उन चीजों को जहां जा सकता है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। दूसरा, हर स्टेट, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, चाहे गैर भाजपा सरकार हो, जी दीपक, ठीक है। दीपक सिंह जी, सवाल यह है, आपके एक और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल,
उन्होंने कहा कि मनरेगा के मजदूरों को 200 दिन की मजदूरी दी जाए। देश के पास पैसा है नहीं, कहां से आएगा इतना पैसा? अब मुझे लगता है सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते थे $5 trillion की हमारी इकोनॉमी है। अभी हमने पीछे मुख्यमंत्री इतनी आसानी से, आपके मुख्यमंत्री हो या राहुल गांधी जी, इतने आसानी से सब सवाल कह देते, पैसे कहां से आएंगे उसका भी तो हिसाब बताना पड़ेगा ना। हर मजदूर के पास में 5,500 रुपया देना चाहिए, आप राहुल गांधी जी कह रहे हैं हर जी, और लेकिन इसके लिए 76,000 करोड़ आएंगे कहां से? हर हर मनरेगा के मजदूरों को 200 दिन का रोजगार देना चाहिए, पैसे कहां से आएंगे? ये सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सवाल कितना जिम्मेदाराना है या गैर जिम्मेदाराना कहूँ, लेकिन मैं उत्तर देता हूँ इसका। अगर आपने अध्ययन किया हो, जब राहुल गांधी जी ने रघुराम राजन से इसका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। हमारे देश की आज जीडीपी कितनी है, हमारे देश की वो क्या है, दीपक सिंह जी, वो मैंने अध्ययन किया, उनकी योजना अच्छी है और उसको वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, कि हर मजदूर के खाते में अगर 5,500 रुपए जाता तो वो मजदूर फिर इधर उधर नहीं भागता, चैन से बैठता, लॉकडाउन का पूरा पालन करता, पूरी तरीके से इत्तेफाक रख रहे। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा आएगा कहां से, वो भी रास्ता तो बताइए ना भाई। तो हमारे देश में अभी तक 6 साल से लफाजी हो रही थी, हमारे देश में 6 वर्ष से लफाजी हो रही थी, हम 40 से 45 दिन में आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, हमारे देश में 40 दिन में कुछ बचा ही नहीं है। ये तो फिर अगर मैं ऐसी बातें कहूंगा तो मुझे लगता है देश में क्या चल निकला है, देश में इस समय सवाल पूछना, इस देश में सवाल पूछना उतना ही खतरनाक हो गया है जितना बहुत पहले हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है। सबसे सवाल पूछता हूँ, सुनिए, देखिए देखिए, हम हमारे सवाल की आकाश राज जी को सवाल पूछना आकाश राज जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, और मैं आकाश राज को पूरा मौका दूंगा और उनसे भी सवाल आज पूछना चाहिए। दीपक सिंह जी सवाल सुन लीजिए, दीपक बिल्कुल पूछना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5,000 करोड़ पेश किया था वो पैसा कहाँ है? आज पूछना चाहिए, जो हजारों करोड़ की बात की थी हेल्थ में, वो पैसा कहाँ है? इसका मतलब ये मौका मैं आपको दूंगा दीपक सिंह जी, ये मौका मैं पूरा आपको दूंगा, आप अपने पूरे सवाल पूछ सकते हैं। आकाश जी हमारे साथ में है, हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो आपको पूरा मौका देंगे कि आप अपने सवाल सारे पूछ लीजिए, और आकाश जी भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। देश के सामने तस्वीर एकदम साफ होनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि दरअसल हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ में एक सवाल ये भी है कि जो आकाश जी ने पूछा कि आखिर ये जो पंजाब में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो दोनों को पूरा मौका देंगे सवाल पूछने का। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध, कोरोना का जिक्र है हमें आपकी फिक्र है, कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया Mount Litera Z School, Mundao, No. 1 in academics, No. 1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Mundao. Aap dekh rahe hain K News, khabron ka saarthi. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महामंथन का दौर चल रहा है, महामंथन से क्या निकलेगा, विष निकलेगा या अमृत निकलेगा, और जो भी निकले उसको पिएगा कौन?
आपस में बटेगा कैसे? अमृत निकला अगर तो क्या अपने लोग ही खाली सुर पिएंगे, यानी कि देवता गढ़ी पिएंगे, या एकाध असुर भी उसमें आ जाएंगे और अमर हो जाएंगे? ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आकाशराज जी का रुख करेंगे। आकाशराज जी, दीपक सिंह जी कह रहे हैं सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, राशन भी देना पड़ेगा। प्रदीप जी, भाषण तो ये लोग 60 साल से दे रहे हैं और उसका जनता ने जवाब इनको दे दिया है जी। भारतीय जनता पार्टी अगर भाषण देगी तो उसका भी जवाब जनता देगी, लेकिन इनके मुख्यमंत्रियों ने कहा कि सारी चीजें प्रदेश सरकारों पे छोड़ दी जाए। मैं दीपक जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है और राजस्थान में भी आपकी सरकार है, और सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करके जो आ रहे हैं वहां से, उनकी चिंता आप नहीं कर पा रहे हैं। औरंगाबाद में रेल की पटरियों पे मजदूर मर जाते हैं, आप जब उन मजदूरों की चिंता नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम विश्वास करें कि आप सारी चीजें संभाल लेंगे, और कैसे केंद्र सरकार सारी चीजें आप पे छोड़ दे? सबसे पहले आप इस चीज का मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, दीपक सिंह जी जवाब दीजिए भाई। दीपक सिंह जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं और उसके बाद अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए, लगता है दीपक जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनका दोबारा रुख करेंगे। प्रभात त्रिपाठी का रुख, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे थे जी। डॉक्टर साहब, नहीं, मैं उस समय जब आपने कहा कि ये जब हम IMA की डिमांड के बारे में हमने बताया कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज की IMA की शुरू से डिमांड रही है, तो एक बात ये हुई कि अभी ये वक्त सही नहीं है ये बात करने का, लेकिन शायद हमें लगता है कि यही सही वक्त है ये बात करने का, क्योंकि इसके बाद तो डॉक्टर्स की वो स्थिति नहीं रहती है जो इस समय है। आप अगर थाली और ताली बजा कर या हम पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा कर हमारा अभिनंदन कर रहे हैं, हमें धन्यवाद कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स को सलामी दे रहे हैं, तो उसके साथ ही अगर ऐसी हादसे हो रहे हैं कि कहीं डॉक्टर ने क्लिनिक खोल लिया अपना और कल को डॉक्टर ही कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उनको जो है आप उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर रहे हैं। ये सब करने के बाद आप पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन की डॉक्टर्स का सबका एक तरीके से मनोबल तोड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके से डॉक्टर्स का मनोबल ना तोड़ा जाए। जल्दी से जवाब ले लें प्रभात जी, आकाश जी से जवाब ले, फिर आपकी बात। प्रदीप जी, कोई भी डॉक्टरों का मनोबल नहीं तोड़ रहा है, और मैंने इसलिए कहा कि ये उचित समय नहीं है, क्योंकि अगर जब चर्चा होगी तो विस्तृत चर्चा होगी। बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जहाँ पे गलती सिर्फ डॉक्टरों की और नर्सिंग होम के लोगों की होती है, इसलिए अभी उनपे मैं सवाल नहीं उठाना चाहता। अभी जो भी डॉक्टर है उनको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, हम सब मानते भी हैं, और सारी सरकार प्रशासन लोग उनके साथ खड़े हैं। कोई भी इस प्रकार की अगर गलत FIR दर्ज होगी तो उसका सरकार संज्ञान लेगी, किसी भी डॉक्टर को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रभात जी आप कुछ कहना? देखिए, मैं प्रदीप ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये राजनीति का वक्त नहीं है। गलतियां कुछ हुई है लॉकडाउन लगाने से लेके और अभी तक, जिसको बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले लोग हो, अपोजिशन का काम है कि वो तो आपको राय देंगे और आरोप भी लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। सवाल इस बात का है कि लॉकडाउन जो हमने लगाया था तो 3 घंटे के बाद लॉकडाउन लागू हो गया। आज जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या आ रही है, अगर उस समय अब हम उन बातों पे न जाके अब हम आगे की एक कार्रवाई पे बात करें कि आप देश को कैसे बचाना है, जान कैसे बचानी है और जान कैसे बचाना है, जब ये दोनों बातें आती हैं तो इन दोनों बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे निकलती हुई दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि लॉकडाउन खुले, धीरे धीरे देश चलना सीखे 50 दिन बाद, और हमें आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये कि प्रभात जी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? नहीं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, जब हम रास्ते में निकलते हैं तो देखते जो हमारे नवयुवक 12-14 साल के हैं वो याराना निभा रहे हैं। प्रदीप जी, और ये प्रदीप जी आप जो बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया में जिस तरीके से लोग एकदम उत्साहित होकर पागल हो जाते हैं, और वो कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो इस वैश्विक महामारी को समझ भी नहीं पा रहा है, और उसमें कई तरीके के टिकटॉक भी बन रहे हैं। तो उसी तरह जो यूथ वर्ग है, देखिए इसमें एक रोडमैप बनाना पड़ेगा। खोलते वक्त जब हम एग्जिट प्लान बना रहे हैं तो उसमें अब जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की आ जाएगी। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, उसने एक गाइडलाइन दे दी कि कल 17 तारीख से अब हो सकता है रेस्टोरेंट खुल जाए, हो सकता है कुछ उद्योग धंधे खुल जाए, लेकिन एक बात आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि इस देश के अंदर ये जो मजदूरों का पलायन हुआ है,
ये दाग जिंदगी भर नहीं हटेगा। बिल्कुल सही, जो मजदूर और नहीं पलायन अभी रुका भी नहीं है भाई, अभी रुका नहीं लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं, अभी रुका नहीं है। अभी ये गांव जो जा रहा है ना गांव की तरफ, अभी भी सड़कों पे लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके पार। अब क्या ये वापस आएंगे फैक्ट्री चलाने के लिए? नहीं आएंगे, एक तो आएंगे नहीं और दूसरा ये कोरोना बम बनेंगे जाकर के। कोरोना बम बनेंगे, मैं यही कह रहा हूँ कि अब जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ज्यादा है। योगी जी ने टीम 11 बनाई है, टीम 11 लोकभवन में बैठ के गाइडलाइन बनाती है, काम करती है, लेकिन असली जो इम्प्लीमेंट है वो डीएम एसएसपी को करना है ना, ग्राम प्रधान को करना है, एसडीएम को करना है, तहसीलदार को करना है, क्योंकि ये कोरोना बम जो है गांव के अंदर अगर पहुंच गए तो आप मान लीजिए प्रदीप जी कि जो भयावह स्थिति हम आपको कल्पना हम जो हमें दिखाई दे रहा है कि जुलाई और जून का महीना ये भारत के लिए बहुत ही पीक पे होगा खतरनाक स्थिति में, तो लॉकडाउन खुले, एक रोडमैप बने और जिला प्रशासन नहीं, रोडमैप कैसे बनेगा? सरकारें करें कि आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अंतर राज्य बस अगर चलानी हो तो राज्य जब राज्यों का ये कहना कि जब हमें पता है जी, एक मिनट आप ये बताइए, आप मजदूरों को बसों से बुला रहे हैं, 500 बसें भेज रहे हैं, आप बसें खोल दीजिए, बसों को खोल दीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से बसों के अंदर जो सवारी जाए। अरे भाई आप प्रभात जी, आप भी समझते हैं 130 करोड़ का देश है, कैसे मेंटेन होगा यहाँ पर? नहीं तो हमें आसान नहीं है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन कितना टाइट रहता है ये हम आप सब जानते हैं। आपको करना पड़ेगा। नहीं, हम आप कितने जागरूक हैं, हम आप जागरूक हैं, लेकिन मैं उन 12 14 साल 15 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, नवयुवकों की बात कर रहा हूँ जो जागरूक नहीं है। मुश्किल है वही सब कोरोना। और आपके पास दोबारा से आऊंगा, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल कुछ कहना चाह रहा जी। सर इसमें जो अभी बात हो रही जैसे जागरूकता की कि कौन कितना जागरूक है, अभी एक तरफ देश में देख रहे हैं कि हजारों की मात्रा में मजदूरों का पलायन हो रहा है, तो ये पलायन आखिर हो क्यों रहा है जी? सरकार ट्रेनें चला रही है फिर भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है कि ट्रेन चलेगी, कितने बजे चलेगी, कहां से मिलेगी, हाँ। वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे जहां तक ट्रेन मिलेगी, ट्रेन कहां छोड़ेगी, उसके बाद कौन कितने दिन क्वारंटाइन में रहेगा, ट्रेन में किराया पड़ेगा तो कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो राज्य सरकार देंगी कि केंद्र सरकार देगी कि मजदूर को खुद भरना है, तो ये सब चीजों की जानकारी का अभाव है। जो जानकारी के अभाव की स्थिति है वो अभाव प्रशासन में ही है और जनता के लेवल पर भी है। सरकारों को भी दूर करना होगा जी, तो जहां पर अभी ये स्थिति है कि ट्रकों में भर भर के लोग, एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया कि सीमेंट मिक्सर के अंदर तक लोग भर के जा रहे हैं, तो जब ये हालात हो चुके हैं तो फिर सरकारों को आज की डेट में आवश्यकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो एक इसकी एकमात्र इलाज इस बीमारी का, इससे बचाव का है, उसको मेंटेन करने के लिए सारे राज्यों में बसें पूरी तरीके से खोल दी जाएं, ट्रेनें खोल दी जाएं और लोगों तक, जनमानस तक ये बात पूरी प्रचंड तरीके से पहुंचाई जाए कि उनको उनके निवास तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है। ये बात ठीक है कि उनको उनके निवास तक पहुंचाया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर अचानक से सब कुछ खोल दिया जाएगा तो मुश्किल काफी बढ़ जाएगी? सब कुछ खोलने की बात नहीं हो रही, आप व्यवसाय जो ऐसे व्यवसाय हैं जिनको की थोड़े समय से और बंद किया जा सके, बस खोल दें, ट्रेन खोल दें, हवाई जहाज खोल दें, तो आसान काम नहीं होगा जो अभी है उससे उम्मीद है कि शायद बेहतर होगा। अभी क्या हो रहा है, लोग रेलवे ट्रैक से धूप में जा रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं, कट के मर रहे हैं, कितने लोग भुखमरी से मर जा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर चलते चलते उनको पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। ये बात आप ठीक कर रहे हैं आकाश जी, करूँ करेंगे आकाश जी, ये बात ठीक है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और प्रभात जी भी कह रहे हैं, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि लोग भुखमरी का अब शिकार हो रहे हैं। कल सूरत की जो तस्वीर आई थी वहां पर तमाम लोग बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि या तो गोली मार दो या तो खाना दो, तो और सूचनाओं का भी अभाव है, तो कहीं ना कहीं लग रहा तालमेल की कमी नजर आ रही है क्या सरकार और केंद्र सरकार के बीच? नहीं प्रदीप जी, जहां से भी मजदूरों का पलायन हो रहा है वहां की स्थानीय सरकारों की ये जिम्मेदारी थी कि वो उनकी देखभाल करें, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। और अभी प्रभात जी ने कहा कि जो मजदूर आ चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का मैं कार्यकर्ता हूं भाजपा का, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि जो आ चुके हैं वो दोबारा जाएंगे नहीं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का जो मॉडल है मैं चाहूंगा कि सारे जितने भी प्रदेश हैं वो उनको अपनाना चाहिए, हमारे यहाँ से जितने भी मजदूर बाहर गए थे और वो आए हैं भाई आकाश जी, प्रदीप आगरा का मॉडल आपने प्रस्तुत किया, आगरा का मॉडल आपका फेल नहीं, वो चीज अलग थी। देखिए बीमारी बढ़ना और उसको रोकना कंट्रोल करना वो एक अलग चीज है, आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रहा है ना। नहीं प्रदीप जी इसीलिए तो मुख्यमंत्री को तीन जिलों में अलग अलग
नई तरह से टीम देखनी पड़ेगी, कानपुर हो, आगरा हो और मेरठ हो, इन जगह टीम देखनी पड़ेगी। हमारे हमारे मुख्यमंत्री कितने अवेयर हैं इस बात से पता चलता है, अगर हमें कहीं लग रहा है कि अगर हमें कहीं लग रहा है कि प्रशासन के कुछ लोगों की वजह से चीजें ढर्रे पे नहीं आ पा रही या ठीक ढंग से नहीं चल रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। लेकिन हम अपने मजदूरों के लिए कर रहे हैं कि 90 लाख एमएसएमई के जरिए उनको उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ये सरकार और उस पे आज भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है। मनरेगा के लिए 200 दिन का काम देने की बात कही है। प्लान जो बना रहे हैं वो बाद में अभी चलेगा प्लान, कोरोना वैश्विक महामारी में वो प्लान नहीं सक्सेस अभी होगा आपका। पहले तो मजदूरों को आप भोजन दीजिए, मजदूरों को आप रहने की जगह दीजिए और उनको घर में पहुंचने दीजिए, क्वारंटाइन कराइए उनको। आपने जो सवाल किया आप जो बता रहे हैं जो स्कीम बनी है वो ठीक है, अभी 3 महीने 6 महीने बाद की स्कीम है। तभी तो जो तात्कालिक जो हमें जो परेशानी है वो कोरोना वैश्विक महामारी है, गाँव में कोरोना फैल ना जाए हमें वो देखना है पहले। हमें हमारी सरकार तत्पर है पूरी तरीके से और कोई भी उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो वहाँ पे हमारे जिलाधिकारी, आपकी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, 22 घंटे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दिक्कत यह है कि आपके जो अधिकारी गण हैं, जो कर्मचारी गण हैं, वो उन चीजों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे। आगरा मॉडल एक अच्छा मॉडल बना था लेकिन वहां पर धज्जियां उड़ा दी। निश्चित रूप से इसीलिए वहां पे बदला गया, वहां पे प्रशासन को बदला गया कि वो चीजें सही नहीं हो रही थी। और कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे स्थितियां बिगड़ी, बाद में उसको नहीं मजदूरों को आने की बात कही जा रही है, पुलिस डंडे मार रही है उनको। डंडे मारने के अलावा आप ये सोचें कि कल उत्तर प्रदेश में जबरदस्त आंधी और पानी आई थी, आप जरा सोचें कि वो भयावह स्थिति हुई होगी उन मजदूरों के लिए जो सड़कों पर रेलवे ट्रैक पर चल रहे होंगे, उनके सर पे सामान है, हाथ में बच्चे हैं, खाना खाया नहीं है, पेट से बिल्कुल भूखे हैं, पानी मिला नहीं है, प्यास से परेशान हो रहे हैं, उनके ऊपर बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, उनको उस समय क्या हालत हुई होगी ये सोचने की आवश्यकता है। और ये किसी एक राज्य की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश भर की स्थिति है। और इसमें पैसे से ऊपर उठकर सबको सोचना होगा कि मानवता के आधार पर देखें उस इंसान की क्या हालत होगी जो धूप में ये चीजें झेल रहा है। जवाब दे दूं जी, प्रदीप जी, जितने भी चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा मजदूर यहीं के बाहर गए थे और जो वापस आ रहे हैं प्रवासी मजदूर। लेकिन जो स्थानीय सरकारें, जैसे मैं के न्यूज के स्टूडियो में बैठा हूँ, अगर यहाँ पे कोई घटना होती है तो क्या के न्यूज की जिम्मेदारी नहीं होगी? बिल्कुल ठीक बात है, राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की सरकार की पूरी जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर उन्होंने ढंग से रोका होता और राज्य की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उन मालिकों की भी जिम्मेदारी है, वही मैं कह रहा हूँ, काम कर रहे थे जिन कल कारखानों में वो लोग काम कर रहे थे, जिन ठेकेदारों के अंदर वो काम कर रहे थे, वो सारी चीजें क्या नाम है कि उन लोगों ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। अभी हम मेरे जिले मऊ की बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ घोसी चीन मिल है, वहां पे कश्मीर के कुछ मजदूर जो है फंसे हुए थे, उनको ठेकेदार लेके आया था 3 महीने पहले और ये स्थिति जब बनी है वो छोड़ के चला गया। वो बेचारे भूखों प्यासे, जब उनकी बात कल किसी तरीके से आई है, उनको वहां पे राशन उपलब्ध कराया गया, उनको सारी चीजें। देखिए प्रदीप जी, अगर हमारे पास जानकारी नहीं आएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत यह कि वो जानकारी दे कैसे, जानकारी निकल के भी। प्रभात जी करो, प्रभात जी, हम लोग लगातार बात कर रहे थे भुखमरी की, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं भुखमरी की, हम जिस चीज की आशंका जाहिर कर रहे थे वो चीजें अब सामने आ रही है निश्चित तौर पे। और भुखमरी के कारण ही ये किसान, ये जो सारे लोग हैं वो अपने घर की ओर पैदल चलते हैं। प्रदीप जी, आपने बहुत चिंता व्यक्त की थी, लगातार के न्यूज इस पे डिबेट कर रहा है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मजदूरों को वहीं पे उसी स्थान पे भोजन और पैसा उपलब्ध हो जाता और ये जिम्मेदारी ये राज्य सरकारें मुकर नहीं सकती, उससे फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ऐसे लगाइए कि आप काम के वक्त को मजदूरों को याद करते हैं, जब विपत्ति पड़ी तो आपने उनको छोड़ दिया सड़क पे भागने के लिए। देखिए योगी जी ने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत ने पूरा पलीता ब्यूरोक्रेसी ने लगा दिया है। ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब, हम भी प्रांजल जी के पास चलेंगे, आप भी मौजूद थे, लगातार हम लोग इस बात की चिंता जाहिर कर रहे थे कि ये किसान भुखमरी के शिकार हो जाएंगे और देश जब भुखमरी का शिकार हो जाएगा तो देश में कहीं अशांति ना हो जाए, इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा लॉकडाउन बढ़ाने से पहले। जी, इसके साथ ही अभी भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जिस भी जगह पर जो भी घटना हो रही है उसके लिए उस जगह का
जो चीफ है वो जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश की घटना की अगर हम बात करें, कल जो आंधी पानी में जितने मजदूर मर गए, अपनी जान से हाथ खो बैठे, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, ये सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, तो इस सबसे बचाने के लिए जरूरत है कि अभी ऐसे एक्शन लिए जाएं जहां पर जरूरी है, वहां पर ट्रेन और बसेस का पर्याप्त व्यवस्था किया जाए, लोगों के क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए और लोगों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था। जो अगर आपको लग रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या को रोक पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, वैसे भी उस जनसंख्या को जो कि मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई नहीं है, तो उसके कम से कम आप सड़कों पर खाने और पानी की व्यवस्था तो करवाएं। बिल्कुल, आइए आपके पास में जरा देख ले दीपक सिंह जी क्या जुड़ गए हमारे साथ। दीपक सिंह जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? चलिए दीपक जी तक अभी तक आज हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आकाश जी, आप अपनी बात। प्रदीप जी, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने मजदूरों को अन्य प्रदेशों से लेके आई है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रदेश की सरकार उतना लेके आई है। हमारा टारगेट था कि 20 लाख प्रवासी मजदूरों को लेके आएंगे, 8 लाख के आसपास पहुंच चुके और प्रतिदिन लगभग 35 से 40 ट्रेनें अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश के लिए आ रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, आकाश जी, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पहल करके किसानों को अपने यहाँ बुलाने की कवायद की, इसमें पूरा क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री तो इस पर नाराज हो गए। प्रदीप जी, कहते यूपी के लोग अपने यहाँ बुला ले रहे हैं और केंद्र का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रदीप जी, जिन जिन मजदूरों को हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, जिन जो मजदूर साइकिल से या पैदल से रास्ते में जा रहे थे, उनको परिवहन निगम की बसों से उठाकर उनके घर भेजने का काम सरकार कर रही है। नहीं, अभी अभी पिछले झूठ नहीं बोलती है, अगर ये कहा गया होता तो मैं वो अवेलेबल करा देता। लोगों ने पानी की बोतल लगा के पैरों में तस्वीरें नहीं होती है, वो बात मैं मानता हूँ। मैं सोशल मीडिया को कहीं अगर गलत भी कहूंगा, सोशल मीडिया को सही भी। प्रभात जी, आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ। अब मैंने भी वो तस्वीरें देखी है, मैंने एक बच्ची का पैर देखा, उसके पैर में छाले पड़ गए थे, वो देख के हृदय कांप जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते कि इनको इनके गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंचाया जाए। एक बात मुझे नहीं समझ में आई प्रदीप जी, मैं इस प्रोग्राम में उठाना चाहूंगा कि इस देश का एक संघ बहुत बड़ा एक कैडर था, इस देश में पार्टियां बहुत बड़ी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कहां गए इनके वॉलंटियर? आज एक मिनट, मैं आज आपके के न्यूज के चैनल से ये बात उठाना चाहता हूँ कि संघ परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था, जिसने कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो वहां काम किया था। आज वो लोग कहां गए इन मजदूरों के लिए? क्या मजदूरों के लिए देश में कोई नहीं है? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, संघ परिवार के लोगों या भारतीय जनता सभी पार्टी के लोगों से। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, संघ परिवार के लोगों या भारतीय जनता पार्टी का कैडर, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता लगा हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा ना कि अगर मान लीजिए राजस्थान के, अभी मैंने एक क्या नाम है कि एक रिपोर्टर की मैंने वो देखी, उसमें राजस्थान से कुछ मजदूर साइकिल प्रतिदिन, सवाल ये है राजस्थान से आप जो सवाल कह रहे थे कि रास्ते में उनको खाना पानी क्यों नहीं मिल रहा? मैं कह रहा हूँ राजस्थान वाले उनको सिर्फ डराने धमकाने का काम कर, राजस्थान से खाना मुहैया कराने का। प्रदीप जी, मैंने वो वीडियो देखी उत्तर प्रदेश की, वो एक प्रतिष्ठित चैनल की रिपोर्टर थी, मैंने वीडियो देखा कि राजस्थान से वो मजदूर साइकिल से चले, कम से कम 50 या सैकड़ों के तादाद में रहे होंगे, और वो जब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो उनको खाने और पानी की व्यवस्था होती है, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग दवाइयां खा के, आप सोचिए कि वो लोग साइकिल चलाते चलाते थक जाते थे, फिर दवाई खाते थे, फिर चलते थे। बड़े दिल से स्वीकार कीजिए जो कमियां रह गई हैं। आप प्रभात जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो पैदल चल के महाराष्ट्र या गुजरात गया हो। हमने सबकी व्यवस्था की है, बात कर रहे हैं आप, मैं आपको तस्वीरें दिखा, सिर्फ अन्य प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों से जानकारी का अभाव है। अभी 2 से 3 दिन पहले की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। लखनऊ का ही मामला है कि एक दंपति जो है अपने 2 छोटे बच्चों के साथ साइकिल से निकले थे कि वो अपने गांव की तरफ जाएं, और शहीद पथ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट उनका हो गया, दोनों दंपति की जो है वहीं मौके पर मौत हो गई। आप सोचें उन 2 छोटे बच्चों की मनोदशा क्या होगी। प्रदीप जी, समय कम बचा मेरे पास में, आखिरी एक डिस्कस कर लेते। सबसे बड़ी बात यह कि चारों हमने सब चीज पर डिस्कस कर लिया, लॉकडाउन की मियाद कब तक, आज इस पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि 55 दिन का ये लॉकडाउन है, 17 तारीख को लॉकडाउन ये समाप्त होगा, उसके बाद इसके बढ़ाने की बात चल रही है। प्रभात जी का रुख करूंगा, प्रभात जी, लॉकडाउन की मियाद कब तक, लॉकडाउन 4
अगर होना है रियायतों के साथ में, एग्जिट प्लान के साथ में, तो कब तक? क्योंकि इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, वुहान में ये 76 डेज का यही बात मैं कहने जा रहा हूं प्रदीप जी, अगर लॉकडाउन बढ़ाना है तो इकट्ठा आप 45 दिन का और बढ़ा दीजिए जी। ये फुटकर जो लॉकडाउन बढ़ा रहा है ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है कि कहीं खुल रहा है कहीं बंद हो रहा है, तो इसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन काम कर पा रहा है ना जो आम जनता है वो नहीं समझ पा रही है, कंफ्यूजन है। सुन लीजिए आप 17 मई को 40 दिन 45 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दीजिए और सख्ती कर दीजिए, कर्फ्यू जैसी सख्ती कर दीजिए। अगर आपको जहान नहीं बचाना है, जान बचानी है, तो आपको ये करना होगा, और अगर आपको जहान बचानी है तो आप बिल्कुल पूरा खो दीजिए। चलिए आकाश राजी फाइनल कमेंट आपका। प्रदीप जी अभी प्रांजल जी ने कहा कि मजदूर और दो लोग लॉकडाउन जो है प्रदीप जी लॉकडाउन 4 तो होना ही होना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजों में और छूट दी जाएगी जनता को। नहीं उसकी मियाद कब तक? चलिए ठीक है, हम आपकी मियाद मतलब ये मुझे लगता है कि ये एक लॉकडाउन और बढ़ेगा उसके बाद और हम कम करेंगे, मतलब 15 जून तक का मुझे लगता है, लेकिन जो अभी लॉकडाउन 4 की घोषणा होगी वो 15 दिन के आसपास की होनी होगी। चलिए ठीक है डॉक्टर प्रांजल जी, आपकी आपकी भविष्यवाणी। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन अगर हो तो उसका पालन भी सख्ती से हो और पालन सख्ती से करवाया भी जाए। लॉकडाउन 3 की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की सख्ती इसमें चल रही है ऐसे लॉकडाउन का कोई बहुत खास फायदा है नहीं सर जी। नहीं तो, लेकिन कब तक? 15 दिन या 1 महीना या 45 दिन? जब तक कि हमारे देश में इसके इतने केसेस कम ना हो जाए, जब हमें लगे कि अब इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड आ चुका है। अभी की तो ट्रेंड बिल्कुल डिक्रीजिंग है ही नहीं, बिल्कुल 3-4 हजार केस रोज बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि समुद्र मंथन चल रहा है, एक तरफ समुद्र मंथन हुआ था इतिहास में तो यहाँ भी महामंथन चल रहा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में रस्साकसी चल रही है, और इस मंथन से क्या निकल करके आएगा, विष निकलेगा या अमृत निकलेगा, कौन उसको धारण करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तो सच है कि जो जैसा के न्यूज ने लॉकडाउन 3 में पहले ही ऐलान कर दिया था, लॉकडाउन 2 में कि लॉकडाउन 3 होगा, उसी तरीके से अभी के न्यूज लगातार ये ऐलान कर रहा है कि लॉकडाउन 4 भी होगा, हालांकि इसमें एग्जिट प्लान भी होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।